सर मैं सब्जी मंडी परिसर के अंदर आया हुआ हूँ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्या एक स्थिति है। अगर जो हम सब्जी मंडी के परली तरफ को देखें, इधर दिखाइए भैया, ये देखिएगा किस तरह से गंदगी का आलम छाया हुआ है। क्या कुछ मानना है सब्जी मंडी वालों का, क्या कुछ कहना है, और यहाँ पर जो वर्तमान में विधायक के जो चुनाव होने जा रहे हैं उनका क्या कुछ निचोड़ है, यहाँ की जनता का मानस क्या कहता है। नमस्कार साहब, किसको चुन रहे हैं साहब आपकी बात? अभी ये अकेली टिकट मिले हो, बाकी वोट दे बाद में देखेंगा। लेकिन हम बात करें यहाँ पर स्थानीय मुद्दों की, तो आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दा यही बढ़िया साग सफाई हुए, हमारी अच्छी सहूलियत। आप क्या कभी यहाँ पर शिकायत नहीं करते, क्या बात है? कई बार करिए जी, कोई सुनाई ना करे। कोई सुनाई नहीं करे? ना कोई सुनाई नहीं, या रोज खाली कर जावा फिर वापिस भेज जाया। वापिस भेज जाता? हाँ, भर के ना ले जा, उसको भर के नहीं ले जाता। आइएगा और भी जानते हैं यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है। देखिएगा, सेब की इतनी अच्छी खुशबू उठ रही है कि ऐसा मन करता है कि यार सेब खा ले, लेकिन यहाँ की जानकारी भी देना आपको जरूरी है। नमस्कार, क्या नाम है अपना? बाबूलाल है जी। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी किसकी सरकार बनाएंगे अबकी बार? देखो अभी तो टिकट एक को मिला है, अभी और मिलने दो, किस किस को मिलता है, तो जो अच्छा काम करे कोई पर्सन उसको करेंगे। लेकिन बाबूलाल जी, हम बात करें यहाँ पर स्थानीय मुद्दों की, तो आपके मुद्दे कौन कौन से हैं? ये बेरोजगारी है, महंगाई ज़्यादा हो रही है, दिन पे दिन सफाई होती नहीं है। ये जो खूनी रोड के नाम से जाना जाता है, इधर की तरफ दिखाइए भैया, ये जो आपको ये देख रहा है ना, जो रोड, ये खूनी रोड के नाम से जाना जाता है। और भाई यहाँ रोज है ना, रोज 2 से 4 एक्सीडेंट होते रहते हैं। क्यों साहब, बिल्कुल सही बात है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, पर यह कि लापरवाही से सारा कुछ को होता है। रास्ता तो ठीक है, ऐसे वो हाईवे निकला हुआ है, पर यह कि फिगर दे के चलते हैं तो ऐसा होता ही है जी। आप एक रोड बना दो, उस पर होगा, अगर देख के नहीं चलोगे तो। क्यों बाबा साहब ये कह रहे हैं कि भाई लोग देख के नहीं चलते, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, गलत बात, रोड छोटा हो जी, रोड हल्का है, डबल होना चाहिए, जब जाके नहीं है मरनो मारनो बंद हो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। और भी मेरे साथ में यहाँ पर दुकानदार भाई मौजूद है, तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराता रहूँगा। क्या नाम है अपना? हेतराम सर। हेतराम जी, हेतराम जी क्या कुछ माहौल चल रहा है अब? किस चीज़ का? चुनावों का क्या माहौल? अभी कोई पता नहीं है, अभी तो ये फार्म भरेंगे जब पता लगेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन अभी वर्तमान में क्या स्थिति है भाई? अभी तो यहाँ से प्रोजी जगह से मम्मन की ज्यादा बता रहे हैं, कांग्रेस का हिसाब किताब बता रहे हैं यहाँ से। कांग्रेस का हिसाब? पहले भी यही से टिकट जीती है, अभी इनका हिसाब किताब। अभी ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, हाथ मार सकते हैं? हाँ, जीत सकते हैं, क्या बात है, हाथ नहीं मार सकते, जीत सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर स्थानीय मुद्दों की, तो क्या है आपके मुद्दे? कुछ मुद्दे नहीं, हमें ये रोड ज़्यादा नुकसान देता है, यहाँ काफ़ी मौत होती है जी। रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं इसमें? 2-4-5 दिन में एक आध मौत हो जाती है जी इस पर। रोज 2 से 4 दिन के अंदर रोज इस रोड के अंदर एक मौत होती है। आप समझिए कि यहाँ की आम जनता कितनी परेशान होगी। और भी मेरे साथ में यहाँ पर तमाम दुकानदार भाई मौजूद हैं, यहाँ पर मैं आपको तमाम जानकारियों से रूबरू कराता रहूँगा। खान साहब नमस्कार, केला क्या रेट दे रहे हैं? केला 100 की 2.5 किलो। 100 की 2.5 किलो, अब हमको क्या रेट दोगे? 3 ले जाते। चलिएगा, आगे चलते हैं, बात करते हैं। भैया जी नमस्कार, क्या नाम है? इधर की तरफ थोड़े से, तारीफ, थोड़े से तेज बोलोगे तभी। तारीफ, 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 तारीफ साहब किसकी तारीफ करोगे अब की बार? मम्मी की। कारण? बस ठंडी रहता अपना, और कहीं कौन सी अच्छाई है उसके अंदर? सब चीज़ अच्छा ही है, जैसे कोई बात हो, आवाज़ उठावे, और कहा। आपने जो ये जो सामने आप खूनी रोड के पास खड़े हैं, क्या आपने इसकी कभी आवाज़ उठाई है? वो कही जब सरकार ना कहाँ से हो बता, सरकार नहीं थी आवाज़ बता, संसद भवन में जार उठाई ना अखबार ने खूनी रोड की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जब सरकार ना सुने को कौन? बिल्कुल सही। आइएगा और भी, हम चलते चलते चलिए भैया, चलते चलिए, चलते चलो भाई। यहाँ पर आम नागरिक भी मौजूद है, यहाँ पर स्थानीय निवासी मौजूद है। भैया क्या नाम है अपना? साकिर भाई। साकिर भाई है, साकिर भाई क्या कुछ अब की बार विधानसभा चुनाव का माहौल कहता है? तो भाई मम्मन जीते वो खुल। क्या बात है, मैं जिससे बात कर रहा हूँ, मम्मन जिससे बात कर रहा हूँ, सबके बारे में भला सोचता है। लेकिन जिस रोड पर आप खड़े हैं, इस रोड की आपने कभी आवाज़ उठाई?
वैसा भी तो पहले से मंजूर है पड़ा था, लेकिन बना अब तक नहीं, क्या बात है? विधायक मम्मन की चल रही सरकार नहीं है। अच्छा, अब क्या करे, बीजेपी सरकार कुछ करा ही नहीं किसी ने। तो अब की बार ऐसा लगता है कि आपको चलना बनवाएगा, ये बनवाएगा पक्का फाइनल? चलिएगा और चलते हैं भाई। तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, इस मार्केट में क्या स्थिति बनी हुई है, किसके तरफ पलड़ा भारी होने वाला है। भैया नमस्कार, क्या नाम है? नाम पूरण है। पूरण, पूरण जी, पूरण जी, अब की बार क्या स्थिति रहेगी चुनावों की? बीजेपी की। बीजेपी कारण? बीजेपी की रोड खराब ही तो पड़े ना रोड। क्या आपने कभी विधायक जी को ऐसी शिकायत की है क्या? अच्छा, आपको बीजेपी किस कारण से अच्छी लगती है, कौन से अच्छे कार्य हैं उनके जो? यहाँ पर देखिएगा स्थिति बनी हुई है ये कि लोग कोई कुछ कहते हैं, कोई मामन को देना चाहते हैं, कोई बीजेपी को देना चाहते हैं, कोई कांग्रेस को देना चाहते हैं, लेकिन स्थिति मैं दिखा दूं कि आपको इस सब्जी मंडी के पास में है ना, हालत ये हो रही है कि गंदगी। बाबूजी क्या नाम है अपना, थोड़ा सा इधर की तरफ आइए, कैमरे की तरफ देखिए। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। सड़क अभी तो गाड़ी इनको वहाँ रास्ता टूट ही जावे, डम्फर तो अच्छे अच्छे तोड़ दें। क्या बात है कि यहाँ पर हम गंदगी के आलम ऐसा देख रहे हैं कि लोग पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। नगर पालिका कमी, तो क्या आप कभी नगर पालिका में या विधायक साहब से शिकायत नहीं करते क्या? नहीं, हमने तो नहीं किया। अब विधायक किसको चुनेंगे आप? विधायक तो जहाँ बहुमत दिखे वो वहीं दे देंगे। आपको क्या लगता है अब की बार बहुमत का? कुछ नहीं पता अभी, कुछ नहीं पता है अब की बार। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं अंबेडकर चौराया के पास यहाँ पर आया हुआ हूँ और तमाम जानकारियों से रूबरू करा रहा हूँ कि यहाँ पर वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है, लोगों की डिमांड क्या है। यहाँ पर सबसे पहले डिमांड जो लोगों की है वो ये जो खूनी रोड है ना, खूनी रोड आप देख रहे हैं ना कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पर। इस खूनी रोड की डिमांड है कि भाई ये अगर जो और चौड़ा हो जाए तो आम जन को थोड़ी सी समस्या नहीं होगी। भाई साहब रुक जाइए एक बार, क्या नाम है अपना? यूनुस। कौन से गांव से? दोहा से। यार क्या बात है, अपने वहाँ पर किसका माहौल चल रहा है अभी बार? है माहौल तो मम्मन का ही चल रहा है। मम्मन का चल रहा है। अपने गांव के अंदर कितने वोट होंगे? हमारे गांव के अंदर 5600 वोट। 5600 वोट है, तो पूरा मामन को जाएगा कैसे? देखो पूरा पूरा तो ना जा, पार्टी तो सबके लिए बराबर सी है। देखो ये है कि भाई औरन के लिए 10% जाएगी, 90% इसके लिए चली जाएगी। विधायक साहब ने कैसा काम कराया है? भाई काम तो ना तो कोई विधायक ने करवाया, ना कोई सरपंच ने करवाया, काम वामन ने तो कोई ना करवाया, अपनी बस ये राजनीति चला रहा। तो फिर भी आप किसको वोट दे रहे? भाई देख मेरी इच्छा तो अभी कोई की ना वोट देना है। अच्छा, कहीं भी जा सके, पहले निर्णय ना हमारा। चलिएगा और भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है? मोहम्मद आदि। इधर की तरफ आइए, थोड़े से इधर की तरफ आ जाइए मेरे पास में। बाबूजी आप भी आ जाइए। अब बाबूजी देखो आप भी देख रहे हो कितनी ज़्यादा खराब हुई पड़ी है। क्या नाले भी साफ नहीं होते, रोड पानी भर जाता, हमें परेशानी होती, गरीब आदमी, सरकार किसी की बने हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा काम तो होना चाहिए। आप क्या शिकायत नहीं करते, क्या बात है ये? गरीब तो आदमी की कौन सुनता है जी, कोई भी नहीं सुनता। कभी आपने शिकायत की है विधायक साहब को? अजीत साहब वहाँ जाने का हमारा नंबर ही कहाँ आता है, यहीं कोई नहीं सुनता। वहाँ तो जब जाएंगे मैं तो इतनी दूर तो यहीं कोई सुनावे करने वाला हो, कोई ध्यान नहीं देता साहब। क्या करें, मजबूरी है हमारी, पड़े कीचड़ गंदगी हो रही है साहब। अच्छा, आपकी डिमांड बताइए, कौन कौन सी डिमांड है यार? हमारी डिमांड क्या है, रोड सही हो जाए, हमें परेशानी ना हो, और क्या डिमांड है हमारी कोई? हमने तो जब भी मजदूरी करनी है जी। आप यहीं के निवासी? सारे रोड भरा हुआ, सारा भर जाता है पानी से, यहाँ से पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और आम जन को कितनी परेशानी होगी आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और भी मैं
यहाँ की स्थिति दिखा देता हूँ कि देखिएगा किस तरह से यहाँ पर रोड फूटा हुआ है और इस रोड ने कितने आम जन को परेशानी कर रखी है। ये पूरी सब्जी मंडी का प्रांगण है, इधर की तरफ देखें यहाँ पर भी स्थिति ये बनी हुई है कि जब बारिश आती है तो हालत ऐसी हो जाती है कि पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। इधर की तरफ आइए आप। नमस्कार साहब, क्या नाम है अपना? रोहतास। रोहतास जी, क्या बात है रोहतास जी, अब की बार किसको ताज पहनाने वाले हैं? भाई कोई भी जीत जा, कोई हार जा, हमन कोई रोटी देवे ना है। अच्छा, कमा खाना पड़ता है, कमा के खाना पड़ता है। लेकिन आपके सामने जो रोड है, हाँ, इसको खूनी रोड के नाम से जाना जा रहा है, कभी आपने आवाज उठाई इसके बारे में? नहीं उठाई जी, हम क्या उठाएं, और उठाने वाले ना है कि तो हम ही काय को बीच पंगा ले में। लेकिन अब आप किसकी सरकार बनवाओगे? सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए, कांग्रेस की बननी चाहिए। चलिएगा आगे चलते हैं और जनता का रुझान देखते हैं, क्या कुछ कहता है यहाँ पर जनता का रुझान। भैया बड़े प्यारे तरीके से मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए इस सेवों को लगा रहे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया। बढ़िया है, कैसी दुकानदारी चल रही है? दुकानदारी बढ़िया चल रही है जी आजकल तो। लेकिन जो चुनावों की दुकानदारी है वो कैसी चल रही है, उसको भी बता दीजिए भाई। ऐसा है जी, हम दुकान चुनाव का मतलब हम दो लेना या चीज में, और रही बात दुकानदारी मतलब है हमारे चुनाव नहीं, माहौल क्या कहता है आपके पास? तो माहौल हमारे मम्मन जाएगा आगे, कांग्रेस जाएगी अभी आगे। चलिएगा और चलते हैं। भैया जी खड़े, क्या नाम है अपना? मेरा नाम है साहिल मलिक। साहिल मलिक, मलिक भैया क्या कुछ माहौल कहता है अब की बार विधानसभा चुनाव का? भैया हमारी सीधी सट जाएगी, हत्ती मम्मन लो जा रही है भाई। क्या कारण है? कारण कुछ ना जी, पार है मम्मन जी, मम्मन पार है। मेरे साथ में यहाँ पर देखिएगा जो युवा वर्ग है ना, युवा वर्ग भी काफी आतुर है बात करने को। भैया बैग लगा के खड़े हैं, साइड में मोबाइल लगा रखा है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब तक युवाओं के लिए तरह तरह की स्कीमें नहीं आएंगी तो यार युवा किसके तरफ झुकेगा। क्या नाम है अपना? असरद खान। असरद खान जी, असरद जी क्या कुछ लगता है अब की बात यहाँ पर, क्या कारण है कि अब तक बीजेपी कमल का फूल नहीं खिला पाई? कमल को फूल ना खिले जी, मम्मा नहीं आए वही कारण। कारण कुछ ना होगा, फैन है पब्लिक, मम्मन भी वोट देगा हम भी। नहीं, मम्मन खान साहब को वोट दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन किस कारण से दे रहे हैं? वो काम अच्छा करवाते हैं या फिर कैसे? काम अब करवाएंगे, उसकी सरकार आएगी जब हरियाणा में कांग्रेस की। सीएम की बात करें तो किसको चाहोगे? हुड्डा। हुड्डा, आपका क्या नाम है? तौफिक। तौफिक, तौफिक, तौफिक भाई क्या लगता है अभी बात? अभी बात कांग्रेस है हरियाणा में, कांग्रेस है। चलिएगा और जानते हैं, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है? आमिर मलिक। आमिर मलिक कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? टेंथ क्लास में। क्या बनना चाहते हैं आगे चलकर? आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन हम वर्तमान में राजनीति की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर पार्ट टाइम में पापा का साथ देते हैं, अब आप पार्ट टाइम में बैठे हैं यहाँ पर, पापा आराम करने गए होंगे, लेकिन यहाँ का जो माहौल देख रहे हैं, आप आईएएस बन जाएंगे तब सबसे पहली कौन सी समस्या सॉल्यूशन करेंगे? गरीब आदमियों की समस्या वो करेंगे, मतलब कि गरीब आदमियों को मतलब हर चीज़ देंगे कि उनकी मतलब हर चीज़ पूरी करेंगे, मतलब जो रहने के लिए मतलब रोड सब मतलब कि रास्ते सही करवाएंगे और गरीब आदमी उनकी समस्या पूरी करेंगे और सबकी हिफाजत करेंगे। देखिएगा मैं इस फिरोजपुर क्षेत्र के अंदर आया हुआ हूँ और यहाँ पर जो टेंथ क्लास का बच्चा है वो बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, आईएएस अधिकारी बनना चाहता है, लेकिन मैंने जब उनसे पूछा कि सबसे पहला काम कौन सा कराएंगे तो उन्होंने सीधा सीधा टारगेट इस खूनी रोड पर जो आम जनता गरीब तबके के लोग हैं उन पर कहा। और आप है ना इस वीडियो को है ना भर भर कर शेयर करिएगा, भैया बहुत अच्छे बोले हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की मंशा होती है, कोई भी ज़मीनी से उठकर आता है ना उसको पता होता है कि भैया गरीबी क्या चीज़ होती है। आइएगा और भी चुनावी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, क्या कुछ माहौल कहता है यहाँ पर। उस
नमस्ते भैया, क्या हाल है भैया? बात नहीं करना चाह रहे? कोई बात नहीं। तो भैया यहाँ पर थोड़े से आगे आ जाइए। नमस्ते भैया, आपसे तो बात हो गई। यहाँ पर तमाम जानकारियों से मैंने लूटे बहुत बताने लग रहा, तमाम जानकारियों से रूबरू करा रहा हूँ भाई। यहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या नाम है भैया जी? थोड़े से बात करेंगे। अब की बार क्या कुछ कहता है माहौल? माहौल तो ये कहता है कांग्रेस आएगी। कारण? कारण दिख रहा हो तो सबको दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम आड़तियों की बात करें तो आड़ती भी कुछ आपसे करते हैं क्या? ना। ये बात है, डर देख। तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया। मेरे साथ में यहाँ पर टोपी लगाकर खान साहब भी खड़े हैं, इधर की साहब दूसरे खान साहब खड़े हैं। भैया थोड़े से इधर, राजस्थान से, कोई बात नहीं। और ये सामने जो आप अंबेडकर सर्किल देख रहे हैं, यहाँ से तमाम ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ की आम जनता का माना सबकी बार क्या कहता है। तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया कि यहाँ की जनता का अब की बार किसकी तरफ होता है पलड़ा भारी। वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है वो है मामन खान की तरफ। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।